हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अथर और आप सबके मेरे चैनल टेक्निकल सिमरा में स्वागत है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन यूजर्स डेली यूज के लिए अपने फोन में कई तरह का ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और उसे अपने फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐप्स काफी खतरनाक है जो यूजर्स का डेटा चुरा रही है। इनमें से कई सारे ऐप्स तो ऐसे भी हैं जो आपके और हमारे अकाउंट से पैसे भी गायब कर सकती है। सिक्योरिटी फर्म सोफोज ने गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कई सारे एंड्रॉइड ऐप्स की लिस्ट शेयर की है जो यूजर्स का डेटा और उनका पैसा चुरा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके अकाउंट से पैसा और आपका डेटा चुरा सकती है। आज की इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको किन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं रखना चाहिए और किन एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, नंबर एक पर है कंप्रेस वीडियो, वीडियो कटर और ऑडियो एक्सट्रैक्टर। अधिकतर यूज़र्स इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल वीडियो को एडिट करके वीडियो के साइज को घटाने बढ़ाने के लिए करते हैं। सिक्योरिटी फर्म सोफोज ने अनसिक्योर एप्लीकेशन के लिस्ट में इसे पहले स्थान पर रखा है। उसके बाद नंबर दो पर है मोंटेज हेल्प यू मेक कूल वीडियोस। यूज़र्स अपने वीडियो को एडिट करने और अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यह भी एक अनसिक्योर एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उसे जल्दी से डिलीट कर दीजिए। सिक्योरिटी फर्म सोफोज ने इस एप्लीकेशन को दूसरे नंबर पर रखा है। अब हम बात करते हैं नंबर तीसरे एप्लीकेशन की, जिसका नाम है प्रैंक कॉल। यूज़र्स इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल फेक कॉल के लिए करते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक फेक इनकमिंग कॉल ला सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ये एक अनसिक्योर एप्लीकेशन है। चौथे नंबर पर जो एप्लीकेशन है उसका नाम है गेमट्रिस वॉलपेपर। यूज़र्स अपने मोबाइल में अट्रैक्टिव वॉलपेपर लगाने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे अमेजिंग वॉलपेपर मिल जाएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए और अगर आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है तो जल्दी से इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन अनसिक्योर ऐप के लिस्ट में चौथे नंबर पर है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पांचवे एप्लीकेशन की, जिसका नाम है फ़ोटो कन्वर्टर। ये एक फ़ाइल कन्वर्टर और इमेज कन्वर्टर ऐप है। यूज़र्स इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल फ़ोटो को फाइल में कन्वर्ट करने के लिए और इमेज के साइज को घटाने बढ़ाने के लिए करते हैं। इस एप्लीकेशन को अभी तक 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ, पर सिक्योरिटी फर्म सोफोज ने इस साल यानी 2020 में इस एप्लीकेशन को अनसिक्योर बताया है और इसे डाउनलोड करने से बचने को कहा है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर छः एप्लीकेशन, जिसका नाम है वीडियो मैजिशियन। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल यूज़र्स अपने वीडियो में मैजिकल इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए करते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से यूज़र्स अपने वीडियो को एक मैजिकल इफ़ेक्ट देते हैं और अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड मत कीजिए। सिक्योरिटी फर्म सोफोज ने जो लिस्ट जारी की है उस पर इसका भी नाम है और ये छठे नंबर पर है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर सात की, जिसका नाम है मोजी फ़ॉन्ट। इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारा अट्रैक्टिव इमोजी फ़ॉन्ट पा सकते हैं। अधिकतर यूज़र्स इस ऐप का इस्तेमाल चैटिंग के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, एक अनसिक्योर ऐप है। अगर आप भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो मैं बता दूँ कि आप इसे जल्द से जल्द डिलीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, क्योंकि सिक्योरिटी फर्म सोफोज ने इसे सातवें नंबर पर रखा है, ये ऐप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले नंबर आठ एप्लीकेशन की, जिसका नाम है ओल्ड मी। ये एप्लीकेशन यंग फेस को ओल्ड फेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस एप्लीकेशन के मदद से यूज़र्स ये देखते हैं कि वो बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक अनसिक्योर ऐप है। बेहतर होगा कि आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसे जल्दी से डिलीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, नंबर नौ पर है माई रेप्लिका टू। इस एप्लीकेशन की मदद से यूज़र्स ये चेक करते हैं कि उनका चेहरा किस सेलिब्रिटी से मिलता है। ये एक टाइम पास ऐप है। फ्रेंड्स, ये कोई काम का नहीं है और ये एक डेटा चोरी करने वाला ऐप है। बेहतर होगा कि आप इस तरह के एप्लीकेशन का डाउनलोड मत कीजिए और इस तरह के एप्लीकेशन से आप बच के रहिए। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है डायनेमिक वॉलपेपर। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी अपने मोबाइल के वॉलपेपर को चेंज करने और अट्रैक्टिव वॉलपेपर को डाउनलोड करने के लिए करते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव वॉलपेपर मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो आपके मोबाइल के डेटा को चोरी कर सकता है और आपके बैंक अकाउंट को भी खाली करवा सकता है। इस वीडियो में जितने भी आपको ऐप्स बताए गए हैं वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, वो एक अनसिक्योर ऐप है।
अगर आप उसे इंस्टॉल करके रखते हैं तो आपके मोबाइल के डेटा को चोरी हो सकता है और आपके बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी आपको ऐप्स के लिस्ट बताए गए हैं वो सारे अनसिक्योर है। अगर आप उसे इंस्टॉल करके रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इस तरह के एप्लीकेशन को जल्दी से डिलीट कर दीजिए और इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आप अपने दोस्तों को सावधान कर सकते हैं और उन्हें भी मना कीजिए इस तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।